कि हम रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट आता है देखिए मेंटल मैप। इसमें कुछ वही क्वेश्चन है जो आप चैप्टर के अंदर से कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, तो 18 के हमें सभी फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसके लिए इजी स्टेप मैंने आपको बताया, जिस जिस टेबल में 18 आता है हम उस नंबर को लिखते हैं। जैसे 1 तो होगा ही होगा, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में आता है 18, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में आता है, उसके बाद 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक नहीं आएगा और उसके बाद 18। तो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10 इज, 10 में कितने फैक्टर्स होंगे देखिए इसका, अगर हम 1 को और 10 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 और 10 तो होगा ही होगा, हर एक किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक 1 और एक वही नंबर, उसको अगर हम छोड़ दें तो कौन कौन से फैक्टर बचते हैं देखिए, 1, 2, 5 और 10। अगर हम इसमें से 1 को और 10 को छोड़ दें तो हमारे पास कितने फैक्टर बचते हैं, 2 और 5, यानी 2 फैक्टर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। कौन कौन से होंगे, 2 और 5। देखिए फर्स्ट है इज नेदर प्राइम और कंपोजिट, कौन सा ऐसा मतलब है ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो ये 1 एक ऐसा नंबर है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, 2 की बात करें तो इसके 1 और 2 2 फैक्टर्स हैं, 3 की बात करें तो 1 और 3 3 फैक्टर नहीं है, इसमें भी 2 ही फैक्टर हैं, और 4 की बात करता हूं तो देखिए 1 2 और 4 इसमें 3 फैक्टर्स हैं। तो ये 4 कैसा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 142 इज डिवाइडेड बाय, तो देखिए इसमें 1 की पोजीशन पर 2 है, तो ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यहां कहने के लिए 2। और अगर किसी और नंबर से होता है तो आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जैसे 3 से होता है कि नहीं होता है, 4, 5 और 2, 7। तो 7 है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए 4 और 6 का एचसीएल, 4 और 6 का अगर आप एचसीएल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 के टुकड़े किए हमने 2 2 और 6 के टुकड़े किए हमने 2 3, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें, 2। यहां पर क्या जाएगा, 2। प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 15 के प्राइम फैक्टर, आप 15 के टुकड़े कर लीजिए देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए 3 2 5। एचसीएल ऑफ 18 और 30 का एचसीएल तो आप कैसे निकाल सकते हैं, चाहो तो आप इसको डिवीजन से, लॉग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, या इससे फैक्टर्स कर सकते हैं, या इसका कॉमन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए 18 और 30
एचसीएल कितना आ गया इसका 6। ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6। ये एलसीएम 4 और 20 का एलसीएम, 4 और 20 का अगर आप एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं तो देखिए 4 1 4 4 5 20 और 5 1 5 4 5 20 कितना एलसीएम आ जाएगा इसका 20। देखिए 4 9 का एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए 2 2 4 9 ऐसे क्या सही, 2 2 9 ऐसे क्या सही, 3 1 3 9 और 3 1 3। तो 4 और 9 में देखते हैं हम कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा एलसीएम होगा कितना 36। इसका एलसीएम कितना निकाला हमने 36। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आता है आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए टिक द करेक्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए हाउ मेनी फैक्टर्स दस 12 है, 12 के कितने फैक्टर होते हैं। तो 12 के अगर हम फैक्टर निकाला तो देखिए 1 2 3 4 6 एंड 12, तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर हैं इसके 6 फैक्टर हैं। तो हम देखेंगे 6 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ए ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, हम ए पर टिक लगाएंगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ, हर एक नंबर किसका मल्टीपल होता है 1 का मल्टीपल होता है। तो 1 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन, बी पर हम टिक लगाएंगे। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ, हर कोई नॉन जीरो नंबर किसका फैक्टर होता है, खुद का फैक्टर होता है, तो यहां पर हम किसके लगाएंगे इटसेल्फ यानी बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज, हर एक नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जैसे 12 का भी देखिए हमने फैक्टर निकाला था, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 1, तो यहां पर 1 कौन सा ऑप्शन है सी में, हम सी पर टिक लगाएंगे। 2 कंसेक्यूटिव नंबर विच आर प्राइम, विच आर प्राइम आर, दो क्रमागत या दो लगातार ऐसे कौन से नंबर है जो प्राइम है, देखिए 1 और 2 नहीं है क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है, 2 और 3 है, 2 और 3 ऐसे नंबर है जो प्राइम भी है और कंसेक्यूटिव भी है यानी लगातार आते हैं, 3 और 5 लगातार नहीं आते, 5 और 7 लगातार नहीं आते। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 एंड 100, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं, देखिए 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 कौन सा ऑप्शन में है देखिए बी में, हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, देखिए 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 2 जो है 3 से छोटा है इसलिए ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दिस इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन सा है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो देखिए 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 3 है इसके 2 फैक्टर होंगे, 9 है इसके 3 फैक्टर होंगे, जिनकी 0 को हम काउंट नहीं करेंगे,
पर्टिकुलर लाइन में 15 और 25 का एलसीएम। देखिए अगर 15 के आप कितने करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 25 के कितने करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों में कॉमन क्या आता है 5, तो एलसीएम क्या होगा इसका 5 और 5 कौन सा ऑप्शन है डी में, हम डी पर टिक लगाएंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 एंड 6 का, तो देखिए 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 6 के फैक्टर किए हमने, 4 के फैक्टर किए, एक कॉमन फैक्टर लिया हमने 2, बाकी जो बच गया वो भी फैक्टर ले लिया 2 और ये 3, तो कितना जाएगा देखिए 2 2 4 4 3 12, तो यहां पर देखिए 12 कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में, हम डी ऑप्शन पर टिक लगा, कितना एलसीएम आ जाएगा 12। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है देखिए पीएसए, देखिए पीएसए में फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए जस्टिफाई कर आंसर 234 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, तो इसको जस्टिफाई हमें करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सही है या नहीं है, क्या वास्तव में ये 2 से डिवाइडेड है 4 से नहीं है, चेक करते हैं देखिए 2 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाय 2 कब होगी जब वंस की प्लेस पर एट वंस प्लेस कौन कौन से डिजिट हो 0 2 4 6 8, अगर ये डिजिट है कौन सी भी वंस की प्लेस पर तो ये 2 से डिवाइडेड है, तो हम ये देखते हैं यहां पर 234 में क्या है वंस की प्लेस पर 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी बाय 4 वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस प्लेस पर क्या होना चाहिए या तो 0 और 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो यहां पर जो 4 से डिवाइडेड हो, यानी आप देखिए 34 है 34 4 से डिवाइडेड नहीं है, लेकिन अगर 32 होता तो 32 4 से डिवाइडेड होता और 232 भी 4 से डिवाइडेड होता, तो यहां पर या तो 34 दिया हुआ है देखिए 00 नहीं दिया हुआ है, अगर 00 होता तो 4 से डिवाइडेड होता, या यहां पर क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल बाय 4, या तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 00 होना चाहिए तभी 4 से होगा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है सिर्फ 2 से डिविजिबल है, इस तरीके से ये हमने चेक किया। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया है ये ए वाला, बाकी बी और सी आप खुद करेंगे, आप डिविजिबिलिटी रूल को देख सकते हैं पेज नंबर 49 और 50 पर डिविजिबिलिटी रूल दिए हुए हैं, इन रूल्स को देख करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 16506 बाय 7, तो यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि 16506 में जो वंस की डिजिट है इसको हम क्या करेंगे ट्वाइस कर देंगे, कितनी है 6 है और 6 का ट्वाइस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12, 6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 12, इस 12 को
बाकी के डिजिट से बने हुए नंबर यानी 1650, इसमें से इसको क्या करना है, आपको सबट्रैक्ट करना है। देखिए 1650 इसमें से 12 को सबट्रैक्ट करना है। यहां पर देखिए 50 में से आप 12 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 38 और 16 ऐसे। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1638 आ गया। अब ये 7 से अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है, लेकिन अभी ये नंबर बड़ा है तो इसी स्टेप को हम दोबारा से रिपीट करते हैं। इसी स्टेप को कैसे रिपीट करेंगे कि इसका जो वंस की पोजीशन पर डिजिट है उसका ट्वाइस, यानी अब देखिए वंस की प्लेस पर क्या है, वंस की प्लेस पर कितना है, देखिए 8 और 8 का ट्वाइस यानी 8 का दोगुना कितना होगा, 16। इस 16 को आपको क्या करना है, बाकी की जो ये डिजिट से बना हुआ नंबर है यानी 163 जो है इसमें से सबट्रैक्ट करना है। 163 में से 16 को सबट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, ये 63 में से 16 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 47। कितना आ जाएगा, 47 और 1 एज इट इज। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 147। तो देखिए मैंने एक बार यहां पर रिपीट किया है स्टेप को, उसके बाद फिर रिपीट किया है। अब हमारे पास 147 आ गया। 147 में भी देखिए आप दोबारा से फिर से रिपीट कर सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये 7 से डिवाइडेड है नहीं है, आप इसको डिवाइड करके दे दीजिए, 147 डिवाइडेड बाई 7, 7 टू 14, 7 को शिफ्ट किया, 7 तो ये डिवाइड हो रहा है। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे अब ये 7 है, 7 का ट्वाइस कितना होगा, देखिए 1 स्पेस पर 7 है, 7 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 14, और 147 में 1 और 4 से बने हुए नंबर में से जब आप 14 को घटाते हैं तो देखिए ये 7 तो हमने यहां ले लिया, 1 और 4 से क्या बना, 14, और 14 में से जब आप 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 से डिवाइड है तो दिया हुआ नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा यहां आंसर क्या आएगा, 16,506 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ऐसे है, मैं आपको 4 बता देता हूं, 3 आप कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द नंबर 7000। अब यहां पर देखिए 100 की प्लेस पर कोई डिजिट नहीं दी हुई है, ए दिया हुआ है और 48 दिया हुआ है, तो हमें पता लगाना है यहां पर ए की प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी, और चेक करना है अगर ये डिविजिबल है 11 से तो ए के प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। तो जब भी कोई नंबर 11 से डिविजिबल होता है तो उसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि
सबट्रैक्ट करते हैं इसमें से सम ऑफ इवन प्लेसेस, अगर इनका जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर कैसा होगा? 11 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस अब देखिए मैं बात करता हूं 7, 8, 4, 8, तो इसका फर्स्ट प्लेस ये, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये और फोर्थ प्लेस ये। ऑड प्लेस कौन सा हो गया? 3 और 1, 3 और 1। तो देखिए थर्ड प्लेस पर क्या है? 8 प्लस 1 प्लेस पर क्या है? 8। माइनस करते हैं हम 2 और 4, 4 प्लेस पर क्या है? 7 और सेकंड प्लेस पर क्या है? 4। और इनका जो डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है, वो कैसा होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए इसको खोलते हैं हम, 8 प्लस 8 माइनस का जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, और माइनस का जब इस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4। आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो इस तरीके से 7 प्लस 4 11, 8 प्लस 8 ये 11 ऐसा हो जाएगा -0। अब देखिए 11 माइनस, तो 11 को हम इस इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं, यानी ट्रांसपोज करते हैं। देखिए 8 प्लस 8 इक्वल टू 11, और 8 को भी हम उस तरफ ले जाएंगे। जब 11 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस साइन हम आगे शो नहीं करते हैं। अब 8 को उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? ये माइनस का 11 माइनस 8, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। चेक करते हैं, देखिए 7, a की जगह क्या रखेंगे हम? 3 और 8। अब देखिए 7 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 8, 7 और 4 11 माइनस 8 और 3 11, और ये कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये 11 से डिविजिबल है। तो हमारा जो डिजिट है ए के प्लेस पर वो कितना आएगा? 3। ए के प्लेस पर डिजिट कितनी आएगी? 3। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का ही है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इनकी अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, फ्रैक्शन। थैंक यू।